MWFIFF के 15 से 18 दिसंबर के फिल्म महोत्सव में मैं भले ही उपस्थित नहीं हो रहा हूँ, किंतु युवा निर्देशक देवाशीष सरगम के निर्देशन में निर्मित इस फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री अनूप जलूटा जैसे भक्ति गायक इस फिल्म से सीधे जुड़े हैं, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। निश्चित रूप से इसके कारण इस फिल्म फेस्टिवल में 4 चांद लगेंगे और ये हमारे युवा डायरेक्टर के नेतृत्व में एक नया इतिहास फिल्म क्षेत्र में लोग लिखेंगे और हमारे युवा जो फिल्म जगत से जुड़े हैं वो इसे प्रेरणा लेकर आगे और आदर्श फिल्मों का निर्माण करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं किसी कारण से स्वयं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मेरा विश्वास है कि आप सफल होंगे, इसके लिए फिर से सफलता की शुभकामना। जब भी आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो बड़ी खुशी होती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फेस्ट और देवाशीष सरगम की तरफ से ये डेकेड अवार्ड मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ देवाशीष सरगम का और अनूप जलोटा जी प्रोडक्शन टीम को और बाकी जूरी मेंबर्स का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नक्षत्र और ग्रह क्या आप कहते हैं इस गाने के लिए, ये आप बता दें। देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप विस्तार से सुन लिए जी। सबने अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से रख दिया और ये म्यूजिक वाले लोग पूरे तरीके से हैं। मैं तो एक नक्षत्र, ग्रह, सितारे, ऊपर नीचे, देश विदेश, इससे जुड़ा हुआ आदमी हूँ जी। लेकिन साथ में अब परिवार जुड़ गया तो फिर हम भी जुड़ गए। कहानी ऐसी है कि इस गाने के बारे में मैंने जब सुना तो पहले ही कह दिया कि ये हिट नहीं सुपर हिट हो जाएगा और नया रास्ता एक देगा, ये गजल में एक नया रास्ता देगा, नई पहचान बनाए। गजल तो बहुत आते जाते रहते हैं लेकिन अब एक नई शुरुआत होगी। ये एक बहुत खूबसूरत गजल है जो सरशार साहब की लिखी हुई है, मैंने और कोयल त्रिपाठी ने इसको गाया है, मैंने म्यूजिक भी दिया है, साथ ही साथ इसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो विवेक प्रकाश जी ने किया है, इसका जो वीडियो है वो देवाशीष सरगम उन्होंने डायरेक्शन किया है और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। टी सीरीज़ ने इसको रिलीज़ किया और ज़बरदस्त इसके व्यूज़ हैं, लाखों में लोग इसको देख रहे हैं, सारी दुनिया में इसको पसंद किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए कोयल जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना अच्छा इन्होंने इसको गाया है, तो सब मिला जुला के बहुत खूबसूरत वीडियो बना है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कोयल जी को भी और टी सीरीज़ को भी। सर, जैसा आपको भजन सम्राट कहा जाता है, अक्सर भजन के लिए गाने जाते हैं, पर आप पहले मतलब गज़ल आप इस बार गा रहे, तो वो आपको कैसा लगा, फैंस के लिए क्या इसमें नया होगा? मैंने गज़लें बहुत गाई हैं पहले भी और गाता रहता हूँ, लेकिन भजन सम्राट लोगों ने बना दिया, लोगों को लगता है कोई साधु संत होगा इतने अच्छे भजन गाता है, लेकिन मैं साधु संत नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल साधारण सा आदमी हूँ, हम सब एक जैसे हैं। तो जब कोई मुझे कहता है कि आप भजन भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, तो मैं उनको एक शेर सुना देता हूँ कि अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में प्याला है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें गाता हूँ। मून वाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए इतना ही कहूँगा कि 5वां सक्सेसफुल ईयर है, इसके पहले न जाने कहाँ कहाँ से फिल्में आईं, डॉक्यूमेंट्रीज आईं, शॉर्ट फिल्म्स आईं, वीडियोज़ आए, उन सबको हम लोगों ने देखा और सराहा, अवार्ड दिया। इसी तरह ये चलता रहे और लोगों की जो क्रिएटिविटी है उसको हम सराहना करते रहे। So, ये हमारा जो है 5वां साल है मून वाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का और कोविड के बाद हम ये इवेंट कर रहे हैं
और दो साल जो कोविड का सिचुएशन में था हमने इवेंट बंद नहीं किया था। हिमांशु जी और मीडिया सारे हमें सपोर्ट किया और हमने ऑनलाइन किया था एंड उसी तरह प्रमोशन हुआ जिस तरह आज हम वापस से लाइव कर रहे हैं। सो अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इस साल भी बहुत सारी फिल्म आई हैं, इंटरनेशनल नेशनल से आई हुई हैं और कुछ और भी साथ में अच्छा हो रहा है। इस बार जो है हमने एक म्यूजिक लॉन्च भी हुआ है जिसमें कोयल जी ने गाना गाया है और अनूप जी ने गाना गाया है और अनूप जी ने म्यूजिक दिया है उसका और मैं उसका वीडियो डायरेक्टर हूँ, मैंने डायरेक्शन किया और ये टी सीरीज से जो है ये गाना रिलीज हो रहा है। आज हम उस गाने का जो है प्रीमियर करने वाले हैं, आज वीडियो उसका दिखाने वाले हैं गोल्ड सिनेमा इस थिएटर में जी। और मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा कि इस बार मॉम जो है बिहाइंड द सीन रहती थी, माँ के आशीर्वाद के बिना, पिताजी के आशीर्वाद के बिना बहुत चीज़ें मुश्किल होती, बट मेरी मॉम वो MWF को फाउंडर है बट वो सामने कभी नहीं आती थी। इस बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरी मॉम जो है ये फिल्म फेस्टिवल की को फाउंडर हैं, तो आप लोग सब इनके लिए क्लैप करें बिकॉज शी इज़ द को फाउंडर। तो मैं इस बार मॉम को बोला हूँ कि आप अपना ब्लेसिंग सिर्फ पीछे से नहीं, आप आके मीडिया में भी आके दो बिकॉज वो बहुत ज़रूरत है। सो आज इनके ब्लेसिंग से देखिए, आज उन्होंने जब बोला कि मैं आऊँगी तो आज इतना बड़ा गाना जो है हमें करने को मौका मिला और भूषण जी को जो टी सीरीज़ के ओनर हैं, दिव्या जी को और टी सीरीज़ के सारे जो टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने कम समय में जो है ये एल्बम को जो है गाने को रिलीज किया है। थैंक यू सो मच भूषण कुमार जी। सुनील सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी बहुत ही अलग हट के फिल्म है, अभी तक मैं देख रहा था एक एक चीज़ बहुत इंजॉय कर रहा था, कलाकारों का अभिनय, कहानी में इमोशन, नयापन, म्यूज़िक, टोटली मुझे ऐसा लगता है कि तमाम यानी हर तबके को पसंद आएगी ये फिल्म, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, फैमिली फिल्म है और यस ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ बेहिजाब फिल्म जो है बेझिझक देखना चाहिए आपको, एकदम सॉन्ग भी चल रहा है, सब कुल मिला के जो भी हिट है सुपर हिट है, जिनको मैं समझ रहा हूँ जैसे फैमिली फिल्म है ये, फैमिली एल्बम है। आपके मुंह से निकल गया कि पिक्चर तो हो सकता है ये पिक्चर ही भी बन जाए। एक जमाने में आशिकी एल्बम भी बना था। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो फिल्म बनी तो सुपर हिट और इतिहास 90s का इतिहास उसने रचा था, तो मैं समझता हूँ कि 2022 का ये एल्बम जो है हो सकता है कि 2000 के जितने जी किस दशक या सदी जो है उसमें सबसे हिट रहे। बिल्कुल बिल्कुल।